हमारे जाने पर उदास है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यहाँ पे हो रहा है अब अपने ऑर्डर का वेट, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आ चुका है। देख लीजिए, ये है गर्मा गर्म पूरी उसके साथ तरकारी। घर वापस आ चुके हैं। हमारे जाने का सुन के ये चिड़िया दी। उदास हो? हमारे जाने पर उदास है। आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इतने करीब से देखी होगी। अगर की बात आती है शेजादी। और यहाँ पे वक्त आ चुका है अब मूव करने का, और देख लीजिए पूरा घर जो है कैसे फैला हुआ है, और जुनेद भी जो चीज़ें रह चुकी हैं उन्हें समेट रहे हैं। ये वक्त भी हमेशा याद आएगा। यहाँ के गुजरे हुए दिन, रात, सुबह, चिड़ियाँ, गिलहरियाँ, सब कुछ यादें ही रह जाती हैं। और पता है क्या व्यूअर्स, ज़िंदगी आसान किसी की नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल जाता है और किसी की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है। और ये रास्ते जहाँ से आज अब हम आखिरी दफ़ा गुज़र रहे हैं, कभी इधर से अक्सर व बेशतर हम और जुनेद जो हैं, यानी हम दोनों हस्बैंड वाइफ, कभी रात में कभी शाम में किसी न किसी वजह से जो है आना जाना इन्हीं सड़कों पे रहता था। बस इतना ही बोलूँगी कि किसी के बारे में भी गलत गुमान नहीं करें, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। इट्स मीन सामने वाले के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करनी चाहिए। और मज़ाक से हटके एक बात आप लोगों से शेयर करूं व्यूअर्स, मैंने इन 5 सालों में क्या सीखा। मैंने सीखा है कि झाड़ू की तरह सफाइयां देते हुए ज़िंदगी गुजारने से कहीं बेहतर है बेलचा बनो और उठा के बाहर फेंको ऐसे लोगों को जो जीना हराम कर देते हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन इसी में कामयाबी है, वरना तो ये दुनिया किसी हाल में नहीं जीने देती कि अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं, दुखी हैं तो और खुश होंगे और हमारे ही ज़ख्म हरे करके जाएंगे कि आप दुखी क्यों हैं। और ये सब हरियाली जगह भी हमें बहुत याद आएगी। कितनी दफ़ा आके यहाँ से हमने अपने लिए बहुत सारे प्लांट्स परचेस किए हैं।
और बस इसी बात को लेके हम लोग अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन कर रहे हैं आगे, ये सोचते हुए कि जो था अच्छा था, जो है बेहतर है और जो मिलेगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। ये यकीन रखें तो सब कुछ अच्छा होगा। हम खा रहे हैं इस वक्त आलू के चावल, सही है, आलू मटर का पुलाव। हाँ मटर भी तो है, मटर में भूल गई थी, उसके अलावा मीठा दही और ये है मसाला दही। ये है हमारा आज का लंच।